अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो जो प्रैक्टिकल है ये हम घर पे कर रहे हैं। कोविड-19 की सिचुएशन आप जानते हैं। स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ये हमारे प्रैक्टिकल का नाम है। तो हम जो है वो पोटैटो ऑस्मोस्कोप किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से मटेरियल हम लोग को चाहिए। सबसे पहले तो एक पोटैटो, एक आलू की ज़रूरत होगी हमें। उसके बाद हमें चाहिए पीलर। आप नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पीलर अवेलेबल नहीं है तो। यहाँ पर मैं पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद कटर की ज़रूरत है, चाकू की ज़रूरत है हमें, पिन लगेंगे हमें, ये मार्क करने के लिए हमें पिन की ज़रूरत है, दो पिन लगेंगे। पैट्री डिश की जगह हम ये डिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि ये प्रैक्टिकल हम घर में कर रहे हैं इसलिए हमारे घर में जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। और वाटर लगेगा हमें, प्लेन पानी जो है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कलर जो है, कलर सॉल्यूशन भी हमें लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है बीट का सॉल्यूशन जो है बनाया है। आप ज़ाफ़रानी रंग पानी में डालकर भी आप कलर सॉल्यूशन बना सकते हैं या फिर आप हल्दी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीट को इस्तेमाल किया है और उससे जो है वो कलर बनाया है। इसके अलावा जो है हमें शक्कर का महलूल लगेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक कटोरी में पानी लिया है और उसके अंदर जो है वो मैंने 2 चम्मच शक्कर जो है वो डाली है, यानी कि 20% जो है वो शुगर सॉल्यूशन यहाँ पर हमने बनाया है। और 1 चम्मच की ज़रूरत होगी। इस तरीके से ये रिक्वायर्ड मटेरियल आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब हमें जो है वो पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है ये प्रैक्टिकल करना है। सबसे पहले तो जो पोटैटो है, इस पोटैटो का हमें क्या है, ऑस्मोस्कोप यहाँ पर बनाना है। तो ये तमाम मटेरियल जो है आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक मरतबा फिर से बोल देती हूँ मैं, आलू है, कटर है, पीलर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक पैट्री डिश है और जो हमने बीट का सॉल्यूशन बनाया है वो है। इस कटोरी में शक्कर का महलूल है, हमने ये तमाम चीज़ें रख दिया है और ये प्लेन वाटर इस बॉटल में आप लोगों को नज़र आ रहा है। आप बीट रूट की जगह पे जो है बीट सॉल्यूशन की जगह पर हल्दी का भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड पर जो है इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पीलर से जो है आलू का छिलका उतार देंगे। स्लोली स्लोली हम आलू का छिलका उतारते हैं। तो देखिए यहाँ पर आलू का छिलका उतारना है, आस्तगी से उतारना है, डीपली नहीं करना है। बॉयज़ जो है इसकी प्रैक्टिस घर पर करें। गर्ल्स तो छील लेते हैं, बॉयज़ को मसला होता है, तो घर पर इसे छीलने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम आलू का छिलका उतार रहे हैं। एक मीडियम साइज़ आलू का हमने इस्तेमाल किया है। ये आप लोगों का 3 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल है। पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाना है हमें। अब हम क्या करेंगे कि जो आलू के दोनों जो यहाँ पर हमें कि जो है आलू के साइड नज़र आ रहा है, तो एक साइड से उसके बेस को क्या कर देंगे, हम कट कर देंगे। बस एक साइड से हमें क्या करना है, कट करना है। इस तरीके से
एक सरफेस हमने प्लेन बना दिया। अब उसके बाद फिर हम दूसरा सरफेस भी क्या कर देंगे, काट के प्लेन बना देंगे। इस तरीके से दोनों साइड से हमने क्या किया है, प्लेन सरफेस यहाँ पर बनाया है। अब ये जो पोटैटो हमें नज़र आ रहा है, इस पोटैटो का हमें ऑस्मोस्कोप बनाना है। अब ऑस्मोस्कोप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो पोटैटो का जो इंटरनल पार्ट है, जो इसका अंदरूनी हिस्सा है, जो इसका मग्ज है, हमें क्या करना है, इसे निकालना है। अब ये निकालना जो है बहुत ही हमें तवज्जे के साथ निकालना है। यहाँ पर डीपली कट नहीं करना है, इसके वॉल्स जो है, जो दीवारें हैं आलू की, वो टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है हम क्या करेंगे, ये आलू के अंदरूनी हिस्से को निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, अंदरूनी हिस्सा जो है हमें निकालना है, उसे हॉलो बनाना है, अंदर साइड से पूरा इसे हमें खोखला करना है, खाली करना है। तो स्लोली स्लोली हम जो है इसे निकालेंगे। आलू की जो दीवारें हैं वो नहीं कटनी चाहिए। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अंदरूनी पार्ट जो है वो हम निकालेंगे। इस तरह से अंदर का जो पूरा पार्ट है ये हमें निकालना है। छोटे छोटे पार्ट करके आप इसे निकालिए, ज़्यादा गहरा मत कीजिए और सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हम जाएंगे। इस तरीके से हम जो है निकाल रहे हैं। अब हम जो है पीलर का इस्तेमाल करके भी जो है इसे निकाल सकते हैं, अंदरूनी हिस्सा जो है इसका, पीलर की टिप की मदद से भी हम क्या है निकाल सकते हैं, या चाकू की टिप की मदद से भी हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए पीलर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर, क्योंकि पीलर का सामने का जो हिस्सा है वो थोड़ा नोकीला है और ईज़िली जो है हम इसे निकाल सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिकल के अंदर ये जो प्रैक्टिकल है पोटैटो ऑस्मोस्कोप का, ये 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो एहतियात के साथ हम करेंगे। अंदरूनी हिस्सा जो है पूरा हॉलो होना चाहिए, खाली होना चाहिए। इंटरनल सरफेस को भी हम जो है वो अंदर साइड से जो है चिकना करेंगे। यहाँ पर हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप बना रहे हैं। पोटैटो ऑस्मोस्कोप का प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इससे पहले जो है इसके पहले के वीडियो में हमने डिसेक्शन ऑफ फ्लावर देख चुके हैं और एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम अनियन। तो आप लोगों को ये दोनों वीडियोस अल्फैज़ एजुकेशन पर अवेलेबल है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। पहले 2 प्रैक्टिकल जो हैं और में रहेंगे, यानी डिसेक्शन ऑफ फ्लावर या एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA फ्रॉम अनियन, 4-4 मार्क्स के लिए है। कोई एक आपको करना है तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे भी शेयर करें। और डिसेक्शन ऑफ फ्लावर और अनियन का जो एक्सट्रैक्शन है इसकी भी प्रैक्टिस करें। आज
हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप किस तरीके से बनाना है, ऑस्मोसिस की स्टडी हमें कैसे करनी है, वो हम कर रहे हैं, घर पर ही कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है पोटैटो को अंदर से पूरा हॉलो खाली कर दिया है, इंटरनल पार्ट उसका पूरा हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑस्मोस्कोप बिल्कुल रेडी है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप हमें नज़र आ रहा है। अब हमें पेट्री डिश लेना है। यहाँ पर हम हमारे घर में जो प्लेट है, जो डिश है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिश में हमें प्लेन वाटर, सादा पानी जो है वो डालना है। देखिए सादा पानी यहाँ पर हम डाल रहे हैं और इसके अंदर जो हमने कलर्ड वाटर जो बनाया था, यहाँ पर आप हल्दी का पानी भी डाल सकते हैं या ज़ाफ़रानी रंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बीट का इस्तेमाल किया था, शलजम का पानी मैंने उसके छिलकों से जो है वो कलर तैयार किया था, वो मैंने यूज़ किया है। अब ये जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप है इसको हम जो है ये कलर्ड वाटर में रखेंगे। उससे पहले हमें करना क्या है, देखिए कि ये जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप है इसके अंदर हमें शक्कर का महलूल मिलाना है। जो मैंने 2 चम्मच शक्कर पानी में, कटोरी में जो पानी लिया था उसके अंदर मैंने 2 चम्मच शुगर डाला था और इससे जो है वो बनाया था। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच शक्कर जो है हम यहाँ पर शक्कर का जो महलूल है हम ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप में डाल रहे हैं। शक्कर का महलूल हमें सेंटर में डालना है और यहाँ पर पिन के ज़रिए ये लेवल बता रहा है कि यहाँ तक हमने वो शुगर का सॉल्यूशन जो है वो भरा हुआ है, यहाँ तक ये लेवल तक है, ज़्यादा आगे तक नहीं चुबाना है ये पिन को। इसके बाद ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है इसको हमें ये कलर्ड सॉल्यूशन में रख देना है और हाफ एन आवर, आधा घंटा जो है हम इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रैक्टिकल के अंदर हमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस समझना है। अब ऑस्मोसिस यानी जिसे हम अमल तदाखुल कहते हैं, क्या होता है अमल तदाखुल, ऑस्मोसिस क्या होता है कि जबकि डाइल्यूट की जानिब से कॉन्सेंट्रेटेड की जानिब में वाटर क्या होता है, मूव होता है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये जो बाहर का पानी है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर जो शक्कर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी बाहर से किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर पानी डाइल्यूट है, अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, अंदर क्या है कॉन्सेंट्रेट, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये वाटर को कलर्ड किया है, क्योंकि बाहर का जो कलर्ड पानी जब अंदर जाएगा तो अंदर का जो पानी है वो भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो कितना जाता है लेवल, कितना इंक्रीज़ होता है वो हमें देखना है। तो आधे घंटे के लिए हम जो है इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है ये आपका 3 मार्क्स का है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आधे घंटे के बाद देखिए रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। देखिए आप कि जो रेड कलर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर आ चुका है, क्योंकि अंदर तो हमने सिर्फ शुगर सॉल्यूशन रखा था लेकिन अब अंदर जो है वो कलर्ड वाटर हमें नज़र आ रहा है। तो लेवल जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, इंक्रीज़ हो गया है। तो कितना लेवल इंक्रीज़ हो गया है, हम ये दूसरी पिन यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे, लगा देंगे। देखिए शुगर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हमने 1 पिन पहले लगाई थी, अब जो इंक्रीज़ लेवल हो चुका है उसके लिए हमने दूसरी पिन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रैक्टिकल में हमें ये समझ आया है कि जो वॉल है पोटैटो की ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरीके से काम करती है
और जो बाहर का जो डाइल्यूट वाटर है वो अंदर शुगर सॉल्यूशन में जा चुका है, यानी कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, और यही ऑस्मोसिस है। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अल्फाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।